हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप नई गाड़ी लेते हुए 40 से 50 हजार रुपए उसमें बचा सकते हैं। इससे ज्यादा भी वो अमाउंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं और कितना आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, लोगों को लगता है कि पुरानी गाड़ी बेचते हुए या खरीदते हुए ही इतना बड़ा मार्जिन होता है, नई गाड़ी पर इतना मार्जिन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसके बाद आप अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू लेकर आएंगे, कम से कम कीमत पर आएंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है कि जब आप गाड़ी लेने का मन बना चुके होते हो तो उस टाइम पर थोड़ा सा टाइम लेकर चलें और थोड़ा सा पेशेंस लेके चलें। बस दोस्तों, आपको इन दो चीजों की जरूरत है, बाकी की चीजें मैं आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां कहां पर डीलर अपना मार्जिन बचा के रखता है, और दोस्तों वही वो पॉइंट होते हैं जहां पर आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस की। दोस्तों, जनरली आज के दिन जो गाड़ियां बिकती हैं, 90% गाड़ियां फाइनेंस होती हैं, और ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने पैसे को ब्लॉक ना करके उसको फाइनेंस करवा लेते हैं। तो दोस्तों, डीलर आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी है या आपको फाइनेंस करवानी है। अगर आप कहते हैं फाइनेंस करवानी है, तो वो कहेंगे कि हमारा बैंक्स के साथ टाई अप है, हम आपका फाइनेंस भी करवा देंगे। दोस्तों, यही पर सबसे पहली गलती हम कर लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि डीलर ही फाइनेंस करवाएगा और हम अपने एंड पर फाइनेंस नहीं करवा सकते गाड़ी को। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी बैंक की प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो बैंक भी, आप बाहर से भी बैंक से लोन ले सकते हैं और डीलर भी आपको लोन दिलवा देगा। पर अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो ना आपको डीलर लोन दिलवा पाएगा और ना आप डायरेक्टली बैंक से लोन ले पाएंगे। और दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह होती है कि डीलर का जिस बैंक के साथ टाई अप होता है, वहां पर डीलर का एक फिक्स कमीशन होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी को फाइनेंस किया जाता है, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन डीलर के पास जाता है, और बैंक अपनी जेब से डीलर को कुछ नहीं देता है, वो जो पैसा है कहीं ना कहीं आपसे ही वसूल किया जाता है। तो दोस्तों, यहां पर पैसा बचाना होगा हमें सबसे पहले कि आपका जो बैंक है, आप जहां पे भी आपका बैंक में अकाउंट है या फिर किसी भी बैंक में आप जाकर आप अपनी लोन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी मेरे को गाड़ी लेनी है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, और वो बेसिक से डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे, आपको बता देंगे कि कितने परसेंट पे आपको जो है वो कार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो बाहर जो बैंक होंगे वो आपको कंपैरेटिवली बेटर स्कीम देंगे ही देंगे, क्योंकि वहां पर डीलर का कोई कमीशन नहीं है। और दोस्तों, मान लो आपने बाहर ट्राई किया और उसके बाद आपको लगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डीलर वाले जो बैंक है उसमें अच्छा मिल रहा है, तो आप वहां ले लीजिए, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, पहला पैसा आप अपना बचा सकते हैं फाइनेंस के टाइम पे, और कम से कम, इसमें बता रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए का आपको इन दोनों चीजों में फर्क पता चल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बैंक में भी विजिट नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देती हैं, जैसे bankbazaar.com है, उसमें आप चेक कर लीजिए कि इतने अमाउंट पर कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाना चाहते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो वो होता है आपका इंश्योरेंस का कंपोनेंट। दोस्तों, इंश्योरेंस एक मस्ट चीज होती है, आपको करवाना ही करवाना होता है, चाहे आप डीलर वाले इंश्योरेंस से करवा लें या फिर आप बाहर से भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पर दोस्तों, फर्क क्या होता है, अगेन जो लोन वाली चीज है वही आपको इंश्योरेंस में देखने को मिलेगी। जो डीलर के पास इंश्योरर होता है, वो उसका एक कमीशन होता है फिक्स, जो वो डीलर को पे करता है, क्योंकि उसने आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उस कंपनी से करवा लिया है, और वो कमीशन अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ेगा, घुमा फिरा के वो कॉस्ट आपके ऊपर आएगी। तो इंश्योरेंस की भी यही चीज होती है दोस्तों, कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको डीलर वाले जो इंश्योरर है या जहां से उनका टाई अप है वहीं से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं। और दोस्तों, इसमें दो चीजें होती हैं, बाहर आप कंफर्म करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे policybazaar.com है या बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, जिन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस जीरो डेप में कितना पड़ता है, थर्ड पार्टी कितना पड़ता है। और दूसरी चीज दोस्तों, कभी भी आप एक डीलर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, उसमें कई चीजों में फर्क आ जाएगा। दो या तीन डीलर से बेयर मिनिमम आप बात करें, उनसे आप पैरेलल कोटेशन लें और पूरा कोटेशन का ब्रेकअप लेंगे, कितना आपका एक शोरूम प्राइस है, कितना इंश्योरेंस है, कितने जो बाकी चार्जेज हैं, और अल्टीमेटली टोटल कितना है। डीलर मना करेगा, जनरली वो आनाकानी करते हैं कोटेशन देने में, क्योंकि उनको भी पता होता है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कस्टमर को यह पता चल जाएगा कि कौन सी चीज में कितना पैसा जा रहा है। बट ये आपका हक है,
और आप अपने कम से कम 4-5 लाख या जितने भी आप अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, तो एक भी रुपया आपको वेस्ट नहीं जाना चाहिए या अननेसेसरीली आपको पे नहीं करना चाहिए। तो आप डीलर से कहिए कि मेरे को पूरा कोटेशन दे और उसमें आप इंश्योरेंस का अमाउंट कंपेयर करिए। फिर उसके अंदर भी एक झोल होता है इसके अंदर कि इंश्योरेंस एक जो होता है उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जीरो डेप हो गया, उसके अंदर थर्ड पार्टी हो गया। जनरली हम पहले 5 साल पे जीरो डेप ही लेते हैं, उसमें भी कुछ एड ऑन कंपोनेंट होते हैं जैसे कि इंजन कवर होता है। तो हो सकता है सेम कंपनी का जो इंश्योरेंस है, एक डीलर आपको मान लो 30,000 रुपये का दे रहा है, दूसरा डीलर हो सकता है 28,000 रुपये का दे रहा है, बट उसने क्या किया, वो इंजन कवर का कंपोनेंट हटा दिया, बट अल्टीमेटली ये तो आपका लॉस हो गया, आपको लगा कि इंश्योरेंस सस्ता है। तो उससे कहिए कि इंश्योरेंस के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, उसमें आपका क्या क्या चीजें उसमें कवर हो रही हैं, तो पूरे कंपोनेंट वही लीजिए जो आपको अल्टीमेटली आपकी गाड़ी के लिए लेने हैं। और बाहर बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, प्राइवेट भी पब्लिक सेक्टर भी, जो आपको बहुत अच्छी कोटेशंस दे देंगी उसी गाड़ी के इंश्योरेंस की। जहां से आपको सस्ता पड़ता है वहां से आप इंश्योरेंस लीजिए। मैंने जब अपनी गाड़ी क्रेटा ली थी उस टाइम पर मुझे एक कंपनी से और दूसरी कंपनी के बीच में जो इंश्योरेंस का प्राइस है करीब करीब 14,000 से 15,000 रुपये का डिफरेंस मिला था। तो दोस्तों डीलर वाले जो इंश्योरर हैं उनसे करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां से आपको सस्ता पड़ता है वहां से आप करवाइए। और दोस्तों जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है RSA यानी कि रोड साइड असिस्टेंस। इसके अलग से चार्जेस कई बार डीलर आपके जो टोटल बिल है उसके अंदर ऐड कर देते हैं, बट 90% जो इंश्योरेंस आप ले रहे होते हो उसके अंदर वो RSA ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो दोनों जगह का RSA लेके आप क्या करोगे, तो आप उसको बोलिए कि मेरे इंश्योरेंस में ऑलरेडी कवर हो रखा है तो आप ये कंपोनेंट यहां से हटा दीजिए, और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो है 2,500 से 3,000 रुपए की आपकी कॉस्ट बचा लेता है। तो मैं अगर सम अप करूं दोस्तों इंश्योरेंस की कंपोनेंट की, तो कम से कम 10,000 से 15,000 रुपए बेयर मिनिमम आपके बच जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लिया। दोस्तों जो थर्ड कंपोनेंट होता है जहां पर डीलर अपना सबसे ज्यादा मार्जिन रखता है वो होता है उसका एक्सेसरीज का कंपोनेंट। दोस्तों आप गाड़ी लेने जाते हो तो एक बेसिक किट के नाम पे एक एक्सेसरीज का तो आपको डाल ही दिया जाता है कि एक बेसिक सी किट आपकी गाड़ी में डलेगी। उसमें होता क्या है, आपका जो फ्लोर मैट है या फिर हो गए मड फ्लैप हो गए या फिर जो आपके व्हील कवर हो गए, इस तरह की छोटी मोटी चीजें डाल के आपको वो 4,000 से 5,000 रुपये का बिल बना देते हैं। दोस्तों एक्सेसरीज के सेक्टर में कम से कम 40-70% तक मार्जिन होता है डीलर का, यानी कि जो 100 रुपये वाली चीज है वो डीलर को 40 रुपये में मिली है और बाहर से आपको भी वो 40 रुपये में ही मिल जाएगी, बट डीलर आपको चिपका देता है और अल्टीमेटली आपको लगता है कि ये तो जरूरी होता ही होगा गाड़ी में, ये चीजें तो डलनी है, पर दोस्तों आपको ये कॉस्टली दे रहे हैं। अल्टीमेटली अगर वही एक्सेसरीज आप बाहर से डलवाओगे मुश्किल से 1,000 रुपये में आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी, और इन चीजों में बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती है। अब जो आपका मैट है उसके कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, तो अगर छोटी मोटी एक्सेसरीज भी आप डलवाते हो तो भी आपका 4,000 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाता है। उसके बाद दोस्तों एक्सेसरीज के नाम पे एक और चीज होती है, डीलर आपको बोलता है कि आपको 30,000-40,000 रुपए की का अलग से डिस्काउंट है। अल्टीमेटली जिस दिन आप लेने जाते हो उस दिन वो बताता है कि 30,000 से 40,000 रुपए की मैं आपकी गाड़ी में एक्सेसरीज डलवा दूंगा। दोस्तों कभी भी इस तरह का डिस्काउंट ना लें, अगर वो आपको बोल रहा है कि 40,000 रुपए की एक्सेसरीज मैं डलवा दूंगा तो उससे बेहतर है कि उसको बोलो कि आप मेरे को 30,000-35,000 रुपए आप मेरे को कैश डिस्काउंट दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर जो 40,000 की एक्सेसरीज हैं वो बाहर तो मुश्किल से 8,000 या 10,000 रुपए की मिल जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि एक्सेसरीज वाला जो डिस्काउंट है वो ना लें, आप कैश डिस्काउंट लें जो डायरेक्टली आपकी गाड़ी की कॉस्ट में से कम हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों एक्सेसरीज के नाम पे कई बार डीलर आपको मिसगाइड करते हैं कि कंपनी की वारंटी लेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ढंग की एक्सेसरी शॉप से अगर आप अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज भी डलवाते हैं उस केस में भी वो कपलर टू कपलर एक्सेसरीज फिटमेंट होती हैं। जनरली वारंटी तब वॉइड होती है जब आपकी गाड़ी की मेन वायरिंग को कट किया जाता है, उसके बीच में कनेक्शन किया जाता है, तब वारंटी लैप्स हो जाती है। पर ढंग की शॉप्स पे आजकल सारी की सारी एक्सेसरीज कपलर वाली आती हैं जिसमें कपलर फिट हो जाते हैं वायरिंग के बीच में, तो आपकी गाड़ी की वायरिंग ही कटनी होती है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि आपकी गाड़ी की वारंटी लैप्स हो जाती है, क्योंकि आज के दिन 90% गाड़ियों में कोई ना कोई एक्सेसरीज जरूर लगी होती है। तो इस तरह से तो सारी गाड़ियों की वारंटी लैप्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर से आप इजीली लगवाइए। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट होता है वो है आपका एक्सचेंज कार प्राइस। जनरली आजकल जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो अपनी पुरानी गाड़ी हम एक्सचेंज में दे देते हैं, और जनरली एक्सचेंज में जो गाड़ी देते हैं उसका एक प्राइस डिसाइड करता है और वो डीलर डिसाइड करता है।
जनरली हम क्या करते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं और पहले गाड़ी की कोटेशन ले लेते हैं जो नई गाड़ी ले रहे हैं, और अल्टीमेटली अपनी पुरानी गाड़ी का जो प्राइस है वो लास्ट में डिसाइड करवाते हैं जिस दिन हम गाड़ी मतलब लेने गए हैं। और अल्टीमेटली उनको पता होता है गाड़ी लेने आए हैं तो जितना पैसा भी वो बोल देंगे आपको वो मतलब वही माइनस होगा। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। कभी भी पहली बात तो दो डीलर्स या तीन डीलर्स के साथ कम से कम कांटेक्ट में रहें। दोनों तीनों डीलर्स पर अपनी जब भी नई गाड़ी का पता करने गए हैं या पूछने गए हैं उस टाइम अपनी पुरानी गाड़ी साथ लेके जाएं और उस गाड़ी की इवैल्यूएशन करवाएं कि मेरे को इस गाड़ी का कितना प्राइस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा झोल होता है कि आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसमें डीलर बहुत ज़्यादा कमाता है, इवन नई गाड़ी से भी कई बार ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि उस गाड़ी पर थोड़ा बहुत काम करके वो उसको बंच में होलसेल मार्केट में बेच देते हैं और वहाँ से उनको अलग से बेनिफिट मिलता है। तो आप अपनी पुरानी गाड़ी का इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं और उस पर आप दोस्तों सबसे ज़्यादा बार्गेन करें। तीन चार डीलर से कोटेशन लो कि कितने की गाड़ी है, एक की कोटेशन दूसरे को बोलो कि वो मेरे को इतने में ले रहा है, वो मेरी गाड़ी इतने में ले रहा है, और अल्टीमेटली आपको अपनी गाड़ी की कई बार ऐसा भी दिखा गया है डबल डबल तक आपको कॉस्ट मिल जाती है। क्योंकि डीलर का जो फोकस होता है वो नई गाड़ी बेचने पर होता है और पुरानी गाड़ी का उसको पता है निकल जाएगी इतने में, तो वो पुरानी गाड़ी की आपको बेहतर वैल्यू दे देता है। और दोस्तों आपका तो पैसा बच रहा है, चाहे वो नई गाड़ी पर बचे या पुरानी गाड़ी पर बचे, तो वहां पर सबसे ज्यादा बार्गेन करें। और साथ ही डीलर को छोड़कर भी आप अपनी गाड़ी का इवैल्यूएशन जैसे कार्स 24 है या OLX है, जहां पर भी आपको ऑनलाइन अपनी गाड़ी का इवैल्यूएशन करवा लें ताकि आपको एक लगभग वैल्यू पता हो। और दूसरा जो लोकल जो कार डीलर्स बैठे होते हैं उनके पास जाओ कि मेरे को कितने की जो है मेरी ये गाड़ी निकल जाएगी और कितने की आप ले सकते हैं, तो जहां पर आपको गाड़ी की बेस्ट वैल्यू मिल रही है वहां पर बेचें। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम गाड़ी वहीं पर बेचेंगे जहां से हमने नहीं लेनी है, तो यहां पर भी कम से कम 20-30 हज़ार रुपए तो आप लिख के ले लो कि वो बचा के चलते ही चलते हैं आपकी गाड़ी पर। और अगर आप बार्गेन करते हैं, थोड़ा इंसिस्ट करते हैं, तो आपके वो पैसे बढ़ा देते हैं। मैंने कम से कम 3-4 गाड़ियां एक्सचेंज में ऐसे मतलब मेरी भी मैंने अपने एक्सचेंज में ली थी, 2-3 दोस्तों की भी जब उन्होंने नई गाड़ियां ली तो मैं साथ में गया था, वहां पर बहुत हैवी मार्जिन होता है। तो वहां पर प्लीज जरूर बार्गेन करें और अच्छा पैसा आपका वहां पर बच जाएगा। दोस्तों एक्सचेंज कार प्राइस में एक और झोल होता है कि जो एक्सचेंज बोनस है ये जनरली मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है। एक्सचेंज बोनस दोस्तों क्या होता है, आपकी गाड़ी की जो पुरानी की जो कीमत होगी उसके साथ एक अलग से एडिशनल बोनस मिलेगा आपको कि आप पुरानी गाड़ी दे रहे हो तो आपको ये अलग से अमाउंट जो है वो माइनस किया जाएगा। मान लो आपकी गाड़ी की कीमत लगी 1,50,000 रुपये और आपने क्योंकि और उस टाइम पर जो ऑफर है वो चल रहा है कि 30,000 रुपये एक्सचेंज बोनस है, तो अल्टीमेटली आपकी नई गाड़ी की कॉस्ट में से 1,50,000 तो गाड़ी के कम होंगे और जो 30,000 रुपीज़ का बोनस है वो अलग से कम होगा। जनरली डीलर क्या करता है, आपको गाड़ी की कॉस्ट के अंदर ही वो बता देता है, वो आपको बोलेगा कि 1.5 लाख में आपकी गाड़ी निकल जाएगी, तो उसके अंदर क्या करता है वो 1,20,000 की गाड़ी की कीमत लगा देता है और 30,000 रुपये का अलग से बोनस लगा देता है। तो इसका मतलब आपको तो पुरानी गाड़ी के 1,20,000 ही रुपये मिले, तो आप उसको क्लैरिफाई कीजिए कि ये बोनस से अलग है या बोनस मिला के है। आप अगर अच्छे से बार्गेन करेंगे, थोड़ा पेशेंस लेके चलेंगे, आपका पैसा जरूर बचेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो आपकी गाड़ी की कीमत पहले ही डिसाइड कर देता है बिना आपकी बार्गेनिंग के। दोस्तों ये होता है आपकी टाइमिंग की, कब आप गाड़ी को लेने के लिए सर्विस सेंटर पे जाते हैं। मतलब कि टाइमिंग से कहने का मतलब है कि साल में किस महीने में आप वहां पर गाड़ी लेने जाते हैं और उस महीने में भी किस डेट पर आप गाड़ी लेने जाते हैं। और दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि डीलर का प्रॉफिट कैसे होता है। दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर होता है वो गाड़ियां बेचता है डीलर को और वो डीलर को एक स्पेसिफिक टारगेट देता है कि इतनी गाड़ियां आपको बेचनी है। वो टारगेट दो टाइप के होते हैं, पहला टारगेट होता है क्वार्टरली टारगेट, मतलब कि हर 3-3 महीने का जो टारगेट दिया जाता है उनको, और फिर होता है मंथली टारगेट। और दोस्तों जो टारगेट पूरा करने का प्रेशर पहले होता है आपका डीलर के ऊपर, डीलर वो टारगेट कैरी फॉरवर्ड कर देता है आपके सेल्समैन के ऊपर जो उनकी टीम्स बनी होती हैं, तो अल्टीमेटली वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए लगे होते हैं एक तो क्वार्टर एंड में, यानी कि मतलब जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर अगर हम लेते हैं, तो आप अगर जनवरी में गाड़ी लेने जाएंगे और अगर आप मार्च में गाड़ी लेने जाएंगे तो बेहतर चांसेस हैं कि मार्च में आपको गाड़ी पर ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, अच्छा आपको पुरानी गाड़ी की कीमत मिलेगी, हर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। और दोस्तों अगर उस स्पेसिफिक मंथ की बात करें कि अगर मान लो आप मार्च में भी जाते हैं
तो मार्च में अगर आप पहले 15 दिन जाएंगे तो आपको अलग तरह के डिस्काउंट दिखेंगे और लास्ट के 15 में अलग तरह के। उसमें डीलर भी अपने लेवल पे डिस्काउंट मतलब ऐड कर देता है जैसे एक्सेसरीज वगैरह के, और दूसरा कंपनी की तरफ से भी उनको एक ये बेनिफिट मिल जाता है। कई बार कंपनी उनको इंसेंटिव देती है कि अगर आप इतनी गाड़ियां बेच पाते हैं महीने में तो आपको हर गाड़ी पर एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो वो अपना बेनिफिट लेने के लिए गाड़ी बेचने के लिए ज्यादा उतावला होता है और वहीं आपका फायदा होता है दोस्तों। वो आपकी बार्गेनिंग के सामने तभी झुकता है जब उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि जिस भी महीने में आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो लास्ट के 15 दिन में जाएं। और दोस्तों इसके बाद भी आपको कोई डाउट है नई गाड़ी लेते हुए आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, यकीनन मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।